हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से एडवांस मैसेज बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा कि आप एडवांस मैसेज बॉक्स का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक बटन की। चलिए मैं यहाँ से एक बटन लेता हूँ। मैं पहले इस बटन का नाम चेंज कर देता हूँ। चलिए अभी यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसकी हम कोडिंग सेक्शन में जाएंगे। चलिए अब इसमें मैं आपको मैसेज बॉक्स में जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे यूज करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं MSG BOX। और फिर इसके अंदर हमें सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हो, प्रॉम्प्ट एज ऑब्जेक्ट में पास करना है। हमें बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करनी है जो कि मैसेज बॉक्स में बीच में लिखा हुआ आता है, वो स्ट्रिंग। और आपको पता ही होगा कि स्ट्रिंग को हम डॉल कोट में पास करते हैं। अब मैं कॉमा लगाने के बाद इसकी जो और आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पास कर सकता हूँ। आप देखिए, जैसे ही मैंने कॉमा यहाँ पर लगाया, यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। ये बेसिकली जो दूसरा आर्ग्यूमेंट स्टाइल मांग रहा है, हमें किस स्टाइल में मैसेज बॉक्स अपना शो कराना है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप समझ जाओगे कि ये स्टाइल में आप कि इस आर्ग्यूमेंट से क्या होने वाला है। चलिए फिलहाल मैं इंफॉर्मेशन चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें टाइटल सेट करना है। सपोज आप नोटपैड चलाते हो और फिर आप जैसे उसको क्लोज करते हो तो एक पॉपअप बॉक्स आता है, वही एडवांस मैसेज बॉक्स होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का ये एडवांस मैसेज बॉक्स होता है। हम इसी तरह का मैसेज बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो हमने हेलो लिखा है वो हेलो इस जगह पर लिखा हुआ है, और जो मैसेज बॉक्स स्टाइल और इन्फॉर्मेशन लिखा है वो यहाँ पर आएगा। हमारा भी साइन कुछ इसी तरह का होगा जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और जो मैं लास्ट आर्ग्यूमेंट में पास करने वाला हूँ वो हमारा टाइटल होगा जो कि यहाँ पर आएगा। चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइटल सेट करता हूँ। हमें ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। हमें इस मैसेज बॉक्स को क्लोज करता हूँ। चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या होता है। वैसे यहाँ पर देखिए एक पॉपअप बॉक्स आ चुका है।